धन सफेद करने और फर्जी बैंक खाते खोलने के मामले में फरार चल रही महिला बैंक मैनेजर पर इंदौर पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। दरअसल अन्नपूर्णा थाना पुलिस ने बुलढाणा कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर विनीशा चांडक पर इनाम घोषित कर दिया है। विनीशा पर सट्टा माफिया और उसके मददगार दाल चावल व कॉटन कारोबारियों से मिलकर कालेधन को सफेद करने का आरोप है। पिछले दिनों डिलीवरी बॉय राजेश विनोद पाटीदार और फरियादी राजेश सिंह तवर की शिकायत पर गौरव काकानी, नितिन खंडेलवाल, सचिन खंडेलवाल और मनोज खंडेलवाल के विरुद्ध धड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया था। आरोपी गरीब लड़कों के नाम से फर्जी खाता खुलवाकर उसमें सट्टे की रकम जमा कर रहा था। पुलिस ने करोड़ों रुपए का ट्रांसफर पकड़ लिया। जांच में बात सामने आई थी कि मैनेजर विनीशा भी इस गिरोह में सदस्य थी। आरोपी गौरव उसके खुलवाए फर्जी खातों में रुपए जमा करता था और विनोद व राजेश जो कि खाता धारक हैं उनके फर्जी हस्ताक्षर करता था। पुलिस में केस दर्ज होने के बाद से ही बैंक मैनेजर विनीशा घर से फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। सर, मऊ में जिन सटोरियों पे कार्रवाई की गई थी उसके बाद एक फर्जी बैंक अकाउंट खोलकर ट्रांजैक्शन का मामला सामने आया था। इसमें एक महिला बैंक का कर्मचारी है जो मैनेजर थी, काफ़ी समय से बुलढाणा कोऑपरेटिव बैंक इंदौर की मैनेजर सुश्री विदिशा चांडक की गिरफ्तारी के लिए CSP अन्नपूर्णा के अनुशंसा पर 5,000 रुपये के इनाम की उद्घोषणा की गई है। सर, इस मामले को लेकर और कुछ नाम सामने आ रहे हैं किस तरीके के? जो भी विवेचना में जो नए तथ्य और साक्ष्य आएंगे तदनुसार पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी। सर, मऊ में भी कुछ पूछताछ के लिए आरोपियों को लाने की तैयारी है इस मामले से जुड़े कुछ? मऊ प्रकरण में भी बहुत सारे नए नाम सामने आए हैं जो विवेचना में हैं।